दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पोनियन सेल्वन 2 के छठवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडियन नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 4000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। अगर बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन में हिंदी वर्जन में 2,50,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 8,35,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने चौथे दिन में 2,13,00,000 का और अपने पांचवें दिन में यानी मंगलवार के दिन में लगभग 1,97,00,000 का नेट कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 12,45,00,000 हो चुका है। वहीं इस फिल्म ने ऑल इंडिया में अपने पहले दिन में 27,40,00,000 का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 83,25,00,000 का कलेक्शन किया था, अपने चौथे दिन में 24,10,00,000 का और अपने पांचवें दिन में यानी मंगलवार के दिन में लगभग 15,00,00,000 का कलेक्शन किया और इसी के साथ इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 122,35,00,000 हो चुका है तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 146,20,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 102,00,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 5 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 248,20,00,000 हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के छठवें दिन की कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने छठवें दिन में हिंदी वर्जन में लगभग 1,60,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है तो ऑल इंडिया में लगभग 12,00,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 160 करोड़ है और इस फिल्म ने 5 दिनों में ही अपना बजट रिकवर कर लिया और अब ये फिल्म प्रॉफिट में चल रही है। इस हफ्ते इस फिल्म को क्लीन हिट का टैग भी मिल जाएगा, यानी इस फिल्म का लाइफ टाइम वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।